तो हेलो एवरीवन, आज हम फिर से बनाएंगे एक पहाड़ी डिश जो बनाएगी मेरी दीदी अपने स्टाइल से, भटकी चुड़कानी, वो भी प्रॉपर ऑथेंटिक तरीके से, जैसे मैं बनाती हूँ वैसे नहीं बनाएगी, वो अलग तरीके से बनाएगी। सोयाबीन काले वाले, इनको भट्ट बोलते हैं। आज मैं ये देखूंगी कि जो पहाड़ी ऑथेंटिक तरीके से कैसे बनता है भटकी चुड़कानी, जैसे मैं बनाती हूँ वैसे ही बनती है या फिर अलग तरीके से बनती है। दुंगार है, दुंगार जो मैंने पहली वाली वीडियो में भी बताया था कि हमारे यहाँ तड़का, मतलब इससे ही टेस्ट हो जाता है चेंज, इसको मैं खरीद के ले जाऊँगी, क्योंकि इस बार दीदी के घर में दुंगार लगा नहीं है तो मैं खरीद के ले जाऊँगी मार्केट से, ठीक है। और दुंगार के साथ साथ और क्या क्या डालना है बताना। क्या कूट के काली मिर्ची भी डालती हो? काली मिर्ची भी डालती हो? हाँ। और लौंग भी, इलायची भी? ठीक है, ये सब भी डालती है मेरी दीदी, इसको ये कूटेगी, ठीक है। और ये धुंगार है, धुंगार में और क्या डालोगे? जीरा और मेथी के दाने। जीरा और मेथी के दाने, हींग। ठीक है, तेल गरम हो रहा है, गरम भी तेल इतना करते तो धुआं ना छोड़ने लगे कढ़ाई। तो अभी हमने क्या डाला है इसमें? जीरा और हींग। अब जो मैंने बताया था ना, धुंगार और काली मिर्ची जो हमने दीदी ने कूट के रखी थी वो डाल दिए, और डाल दिए भट। अगर प्याज खाते हैं तो प्याज को पहले डाल लेते हैं, राइट? पहले भट भून के निकाल लेते हैं फिर प्याज डालते हैं। अच्छा, पहले भट भून के निकाल लेते हैं फिर प्याज डालते हैं, क्योंकि इस समय हम लोग भी प्याज नहीं खा रहे हैं, इसलिए मेरी दीदी भी प्याज नहीं खा रही है। देखा, जहाँ हम रहते तो हमारा जलवा रहता है, तो इस समय हम नहीं खा रहे हैं प्याज, तो दीदी ने भी प्याज पूर्ण तरीके से त्याग दी है, तो बिना प्याज की ही चुड़कानी है ये। और बस अंतर मुझे ये देखना है कि पहाड़ में कैसे बनती है और हमारे यहाँ कैसे बनती है, ये आप टेस्ट करके जानेंगे और बनाने के बाद भी, मतलब रेसिपी से भी जानेंगे, क्योंकि धुंगार का अलग ही टेस्ट आता है। तो ये काली मिर्ची, लौंग और इलायची जो क्रश करके दीदी ने डाली है वो मैं नहीं डालती हूँ। पहाड़ी डिश होती है ना, ये लोहे की कढ़ाई में ही बनती है तभी इसका टेस्ट आता है। और मेरी दीदी तो ये कह रही थी कि पहाड़ी पानी जो होता है उत्तराखंड का, उस पानी में बनाओ तो टेस्ट आता है वैसा। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, देश मतलब ग्वालियर या किसी भी प्लेस में ऐसी चीज़ नहीं बन पाएगी। अब देखते हैं वहाँ जाके मैं बनाऊँगी सेम इसी मेथड से, फिर ऐसी बनती है कि नहीं बनती है। और ये भट्टे में से चट्टे चट्टे की आवाज़ आने लगी है, क्रैक भी होने लग गए हैं, जैसे दिख रहे हैं ना, फूट रहे हैं। अब इस दौरान आप क्या डालेंगे इसमें? ये क्या डाल रही हो? आटा। क्या ये आटे से बनती है? हम तो इसमें बेसन डालते हैं। हमारे वहाँ आटा डालते हैं। मतलब ऑथेंटिक जो पहाड़ में बनता है उसमें आटा डालता है, ये चेंजिंग है। अच्छा, और आटे को भी रोस्ट किया जाएगा इसी में। अगर प्याज डालते हैं पहले तो फिर आटा कैसे भुनेगा? आटा अलग से भून सकते हैं। अच्छा, उसमें आटा अलग से भून सकते हैं, लेकिन बवाला बहुत है, वरना प्याज के बाद फिर दोबारा वापस भट डालेंगे। अच्छा, उसके बाद डालेंगे फिर, और ऐसे भूनेंगे उसको, ऐसे भूनेंगे। अब भुनने के बाद फिर इसमें पानी डाला जाएगा ना। दीदी लेने गई है पानी और मैं इस वक्त आटे को भून रही हूँ। लिया जाएगा खुशबू आने तक ना, जब तक खुशबू नहीं आई हुई जब तक इसको चलाते रहेंगे, खुशबू आने के बाद इसे बंद करेंगे। अच्छा, आज हम टमाटर नहीं डालेंगे, जब टमाटर डालते तो कब डालते हैं? प्याज के बाद। प्याज के बाद, लेकिन जैसे जो प्याज नहीं खाते हैं तो वो कब डालेंगे? नहीं, फिर वो खटक तो उसमें डालेंगे तो वो टमाटर गलेंगे ही नहीं। अच्छा, मैं तो डालती हूँ ऐसे ही खटक जाते हैं। और अब इसमें जाएंगे मसाले। अभी हम लोग ना लाल मिर्ची का इस्तेमाल नहीं करेंगे इसमें, इसमें नमक डालेंगे सारा, क्योंकि मेरा बेटा लाल मिर्ची नहीं खाता है, जो खाते हैं तो वो इसी समय डाल सकते हैं। हरी मिर्ची या लाल मिर्ची हम तड़का ऊपर से लगाएंगे। चुटकी भर धनिया पाउडर। अच्छा, धनिया पाउडर बहुत कम डालता है, चुटकी भर हल्दी बस। अच्छा, मैं ये ज्यादा डाल देती थी, धनिया पाउडर और हल्दी ज्यादा डाल देती थी। थोड़ी सी डाल देते काली मिर्ची। थोड़ी सी काली मिर्ची भी डालेगी इसमें? अच्छा, ये तो अंतर है। मैं धनिया पाउडर, मैंने एक चीज देखी है कि पहाड़ में जो भी चीजें बनती है उसमें धनिया पाउडर हल्दी ये सब चीजें कम डलती है, और मैं तो धनिया पाउडर एक चम्मच डेढ़ चम्मच डाल देती थी। चलिए, अब ना इसको पिलाते जाएंगे और पानी डालते जाएंगे, इसमें लम्स नहीं पड़ना चाहिए, लम्स नहीं पड़ना चाहिए, धीरे धीरे। देखो, पानी पहले कम डालेंगे, पहले देखेंगे कि इसमें गुठलियाँ ना पड़े, फिर इसको खदका देंगे
कितनी देर तक पकाना पड़ेगा पानी डालने के बाद? 15-20 मिनट। जितना ये पक जाता है दीदी बोल रही हैं उतना ही ये टेस्टी बनता है, ये तो मुझे भी पता है क्योंकि भटकी चुड़कानी तो मैं भी बनाती हूँ और मेरी फेवरेट है। मैं रहती भले ही ग्वालियर में हूँ लेकिन मेरा दिल तो पहाड़ी है, लेकिन दिल मेरा पहाड़ में ही बसता है। और इस समय मैं हूँ पहाड़ और हूँ पिथौरागढ़, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में। तो आप खाएंगे चुड़कानी, इसमें एक भी लम्स नहीं है, ये चीज़ तो हम भी कर लेते हैं। लेकिन हम डालते थे बेसन और दीदी डालती है आटा। अगर हम लोग लहसुन खाते होते हाँ तो इस समय के लम्स में लहसुन और हरी मिर्ची को क्रश करके डालते हैं, क्रश करके अभी डाल देते तो उससे टेस्ट थोड़ा अलग आता है। अच्छा तो ऐसा हमारे उसमें भी होता है? अच्छा, ऐसे हमारे बुंदेलखंड में भी होता है, जब भी कोई सब्जी बनती है टेस्टी टाइप की तो मतलब उसमें क्रश कर पीस के, मेरी सास ना सिलबट्टे में पीस के खड़ी धनिया लहसुन और हरी मिर्ची कभी कभी धनिया उसको वो नमक टाइप का बनाती ऊपर से डालती है। वो इसमें अच्छा होता है। अच्छा, लहसुन को 4-5 कर लिया, ज्यादा नहीं। हाँ उसमें ज्यादा नहीं, और हरी मिर्ची भी दे देते हैं। अच्छा, अब एक उबाल आ जाएगा तो उसको उसमें सिम कर देंगे। जब ये पकता है तब फिर हम बताते हैं आपको। देखिए चुड़कानी बन गया है और खाना भी स्टार्ट हो गया, मैं शूट नहीं कर पाई, बनाने चली गई थी। तो ये है चुड़कानी जिसको पका लिया था, अच्छे 15-20 मिनट तक खदका लिया था, ऊपर से लाल खड़ी मिर्ची का तड़का लगाया बस, और हरी मिर्ची का, और कुछ नहीं है इसमें। पहाड़ का खाना जितना बनाने में सिंपल होता है उतना ही होता है स्वादिष्ट और उतना ही होता है ताकतवर। इतना सिंपल खाना और इतना टेस्टी। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें।